हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर इकबालजीत। दोस्तों, अज आप गल करनी आ सिलीअक डिजीज़ होने के कड़े कि कारण हो सकते हैं। दोस्तों, लास्ट दो वीडियोज़ के आप गल करी सी कि सिलीअक डिजीज़, वीट एलर्जी, ग्लूटन सेंसिटिविटी ये की होंगी है। एंड सैकेंड वीडियो के गल करी सी कि सिलीअक डिजीज़ होने के कड़े कि सिम्पटम्स हो सकते हैं। और दोस्तों, वो जिहड़ियां दो वीडियो सी, ये वीडियो देखने तो पहला तुसी जरूर चैक करो, क्योंकि वो नाल तुहाडी काफ़ी हैल्प हो सकती है, ताकि पूरा जिहड़ा कॉन्सैप्ट आ वो तुहानू समझ आ जाए। सो दोस्तों, हुण आपां वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सिलीअक डिजीज़ होण दे किहड़े किहड़े कारण हो सकते हैं। सिलीअक डिजीज़ दोस्तों ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ, जिदा थायरॉयड, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस हरपेटीफॉर्मस, SLE यानी ल्यूपस सोराइसिस। उस तरह जिहड़ा सिलीअक डिजीज़ आ, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आ, यानी साडे इम्यूनिटी नाल रिलेट करदा। दोस्तों, सिलीअक डिजीज़ होने का सब तो पहला तो वड्डा जिहड़ा कारण आ, वह हैगा कणक की क्वालिटी। दोस्तों, जदों असी कणक नूं बीजदे आ, फिर उहनूं ग्रो कर लई जां उह तों वधिया रिजल्ट लैण लई बहुत सारे पेस्टिसाइड्स ने जिहड़े उहदे उपर असी करदे आ, उस तों बाद उहनूं असी लैके आउने आ घर दे विच, स्टोर करते हैं। सो स्टोर कर लग्यां भी असीं बहुत सारियां चीज़ां ऐड करते हैं, ताकि वह लंबे टाइम लई खराब ना होवे। सो दोस्तों, ये जिन्नियां भी चीज़ां असीं यूज़ करते हैं, ये कणक की क्वालिटी नूं रिड्यूस करदियां ने। सानूं चाहीदा कि कणक नूं घर लैके आओ, सब तो पहलां तां घट्ट तो घट्ट पेस्टिसाइड यूज़ करो, एंड सैकेंड ते जदों घरे असीं स्टोर करना वा तां उहनूं चंगी तरह सुकाओ ते उहनूं स्टोर करो। जे थोड़ी बहुत एंड ते खराब भी हुंदी आ तां उहदी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ओवरऑल जिहड़ी साडी हैल्थ आ उहनूं कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। सो दोस्तों, सानू कणक की जिहड़ी क्वालिटी आ उह वधिया रखनी चाहीदी आ। सो पहला इहदा जिहड़ा कारण आ उह हैगा वा कणक की क्वालिटी। और दोस्तों, दूजा तो बहुत वड्डा जिहड़ा कारण आ उह हैगा वा कणक की क्वांटिटी। दोस्तों, पिछले समयां दे विच असीं देखदे आ राजे महाराजे जां पुराने लोग सी जिहड़े, उहनां नूं बीमारियां बहुत घट सी, उहदा कारण की सी? सो दोस्तों, उहदा कारण की सी? वह छत्ती पदार्थ खाते सी। छत्ती पदार्थ मतलब जो इन्नी इन्नी चीज़ भी उन्होंने छत्ती चीज़ा खाधिया, तो कोई भी चीज़ वह लोड़ तो ज़्यादा एको ही चीज़ नूं कंज्यूम नहीं सी करते। बट हुण असीं की करते हैं, सुबह भी कणक की रोटी, दुपहरे भी कणक की रोटी, शाम नूं भी कणक की रोटी। सो असीं दोस्तों कणक नूं, कल्ली कणक नूं लोड़ तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। सो इत्थे सानूं चाहीदा वा मल्टीग्रेन, जिद्दां मक्की, बाजरा, रागी, जौ, इदां दीआं चीज़ां, जां असीं मौसम दे हिसाब नाल इहनूं वधा घटा सकदे हां। सो दोस्तों, सानूं इत्थे चाहीदा कि असीं होल ग्रेन ते मल्टीग्रेन यूज़ करिए। सो दूजा जिहड़ा वड्डा कारण आ उह हो सकदा वा कणक दी क्वांटिटी। और दोस्तों, तीसरा जिहड़ा कारण आ उह हैगा अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिद्दां थायरॉयड, डायबिटीज़, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस हरपेटीफॉर्मस, ल्यूपस सोराइसिस। जे इहदे विचों कोई भी प्रॉब्लम हैगी आ तां सिलीअक डिजीज़ होण दे जिहड़े चांसिस ने उह हाई हो जाणे आ, क्योंकि बहुत वारी पेशेंट्स दे विच देखिआ वा कि जिहड़े पेशेंट नूं सिलीअक डिजीज़ की प्रॉब्लम हो गई तां उहनूं बाकी इह चीज़ां थायरॉयड, जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जां डायबिटीज़ होने के जिहड़े चांसिस ने उह हाई हो जांदे, ते बहुत वारी हो भी जांदा वा। सो जे तुहानूं है भी तां अपने जिहड़े ब्लड रूटीन जां ब्लड चैकअप आ उह टाइम टू टाइम तुसीं करवाउंदे रहिणा वा। सो दोस्तों, ये एक बहुत वड्डा कारण हो सकदा वा तीसरा जिहड़ा सिलीअक डिजीज़ होण दा, जे तुहानूं अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और दोस्तों, इहदा जिहड़ा चौथा कारण हैगा वा उह हैगा वा गट हैल्थ। जे साडी गट हैल्थ यानी साडा पेट जे खराब रहिंदा वा, साडे पेट दे विच बैक्टीरिया हुंदे ने, वो डिसाइड करदे ने साडा डाइजेस्टिव सिस्टम ते साडा इम्यून सिस्टम। सो ये दोनों ही चीज़ां जे सही आ तां सानूं इदां दी प्रॉब्लम नहीं होगी, जे दोनों ही चीज़ां विगड़ गईआं तां सानूं इदां दीआं चीज़ां होण दे चांसिस हाई हो जांदे आ। सो उहदे लई इक्को ही चीज़ आ, पेट दे माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा जां पेट दे विच जिहड़े बैक्टीरिया ने। सो दोस्तों, ये एक अलग तो भी वीडियो बनी हुई आ, माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोटा जां गट फलोरा जां गट बैक्टीरिया, इहदी एक वीडियो बनी आ, उहदे विच बहुत ही डिटेल नाल दस्सिया होया, वह भी तुसीं जरूर चैक करिओ। सो जे साडी गट हैल्थ वधिया वा, साडी ओवरऑल जिहड़ी हैल्थ आ, फिजिकल हैल्थ आ, मैंटल हैल्थ आ, तां बहुत वधिया रहेगी, सानूं इदां दीआं ऑटोइम्यून बीमारियां ने जिहड़ियां उह नहीं लगणगीआं। बट जे साडी गट हैल्थ वधिया नहीं है,
तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम तो इम्यून सिस्टम दोनों वीक हो जाने तो इदा दीज़ा वो हो सकदियां ने। जो चौथा इहदा कारण आ वह हैगा साडी गट हैल्थ, इसलिए अपनी गट हैल्थ नूं वधिया रखो। वो वीडियो दे विच बहुत ही वधिया डिटेल नाल दस्या कि असी कीड़ियां चीज़ां सानूं खाणियां चाहीदियां जिन्हां दे नाल असी अपनी गट हैल्थ नूं वधिया रख सकते हैं। दोस्तों पंजवां ते लास्ट जिहड़ा इहदा कारण आ वह हैगा हाईजीन हाइपोथैसिस। सो दोस्तों अज दे जिहड़े साइंटिस्ट ने जां हुण एक स्टडी होई सी उहदे विच देखिया सी कि जिहड़े बच्चे पुअर ने गरीब ने हाईजीन का बहुता ख्याल नहीं रखते, मिट्टी वगैरह के खेडते रहिंदे आ, वह बच्चों इदां दीआं बीमारियां हुंदियां ही नहीं। और दूसरे पासे जिहड़े लोग जिहड़े बच्चे बहुत ही हाईजीन का ख्याल रखते आ, साफ सफाई का ध्यान रखते आ, ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर वगैरह ज़्यादा इदा एंटी बैक्टीरियल चीज़ा यूज़ करते हैं, वो बच्चे जिहड़ियां इदा दीआं डिजीज़ ने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जां इम्यूनिटी नाल रिलेटेड वो ज़्यादा लगदियां ने। सो दोस्तों इहदा एक सिंपल जिहा कारण आ कि साडी बॉडी दे विच जिहड़ियां एंटीबॉडीज़ बनदियां ने IgE, ये जिहड़ी एंटीबॉडीज़ बनदियां ने ते साडे जो ब्लड कराने असं वो ईसरोफिल सैल बेसोफिल सैल जां न्यूट्रोफिल सैल हुंदे आ असीं चैक करवाउने आ। सो IgE एंटीबॉडीज़ बनदियां ने, IgE जिहड़ी एंटीबॉडी आ वो ईसरोफिल सैल नाल अटैच हो जाती है, तो फिर यह जिहड़े लार्ज वॉर्म ने जां पैरासाइट्स ने जिहड़े मिट्टी दे विच पाए जाते हैं, जिहड़े बच्चे उहदे विच ज़्यादा खेडदे आ तां वो IgE एंटीबॉडियां उहनूं लार्ज वॉर्म ने जां पैरासाइट्स ने उहनां नूं किल करन दे विच लगियां रहिंदियां वा। तो जे वह IgE एंटीबॉडी उधर नहीं वर्क करनगियां तां जिहड़े बच्चे साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं उन्होंने अंदर फिर वायरस बैक्टीरिया उहदे नाल उह उहनूं किल करन दे विच लगणगियां, तो उसे फिर उत्थे फिर वह IgE एंटीबॉडीज़ ने वो बेसोफिल्स सेल्स दे नाल अटैच होगी तो फिर वह हिस्टामाइन रिलीज़ होगा। तो सो इदां दीआं जिहड़ियां डिजीज़ ने एलर्जी नाल रिलेटेड फिर वह ज़्यादा हुंदियां ने। सो दोस्तों ये भी एक बहुत वड्डा कारण हो सकता हाईजीन हाइपोथैसिस इदां दीआं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जां सीलिएक डिजीज़ होण दा। सो दोस्तों ये आपां डिस्कस करे आ जिहड़े मेनली कारण ने, अपने जिहड़े 4-5 साल का एक्सपीरियंस आ इहदे विच्चों ये चीज़ां निकल के सामने आईआं। वैसे तो इहदे गूगल सर्च करोगे तो तुहानूं होर भी बहुत सारे मिल जाणगे, बाकी जिहड़ियां इह प्रैक्टिकली चीज़ां देखियां ने अज तुहाडे नाल उह डिस्कस करियां ने। सो दोस्तों आपां नैक्सट वीडियो दे विच फिर गल करांगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।